अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द क्लिक अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही अहम है और कई बार इस टॉपिक में से क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं और आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है निशाने हैदर। चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, ये है निशाने हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड। आर्मी में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जो सबसे हाईएस्ट पीक का अवार्ड है, वो निशाने हैदर ही है। ठीक है, निशाने हैदर का मतलब है एम्बलम ऑफ द लाइन। ठीक है, और निशाने हैदर का जो वर्ड हमने कहाँ से अगस्त किया, वो हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लकब से लिया है, जिसका मतलब द लाइन ऑफ गॉड, यानी शेर खुदा। जी आगे देखते हैं। अच्छा, निशाने हैदर अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी निशाने हैदर जो है वो अवार्ड करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो उस वक्त का मौजूदा सदर होंगे वो उस अवार्ड को पेश करते हैं और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ से पे अवार्ड करते हैं। जी निशाने हैदर फर्स्टली अवार्डेड ऑन 16 मार्च 1957 टू राजा मोहम्मद सरवर भट्टी, बिलोंग करते थे पाकिस्तान आर्मी से और शहीद किसमें हुए, इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1948 या 1947-48 की वार में। ठीक है, अच्छा इसमें से आप तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वाला तो नहायत ही अहम क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, मैंने खुद भी जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने 2-3 मरतबा खुद अटैम्प्ट किया हुआ है कि निशाने हैदर फर्स्टली अवार्डेड किस डेट को और किन को हुआ था। ठीक है, चलें आगे अगला देख लेते हैं, आगे कौन और कितने टॉपिक और कितने एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। निशाने हैदर ये भी अहम टॉपिक है, ये भी अहम एमसीक्यूज है, अगर आप इसको देखें ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। निशाने हैदर लास्ट अवार्डेड ऑन 15 जुलाई 1999 टू हवलदार लालक जान, मार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, बिलोंग करते थे पाकिस्तान आर्मी से और शहीद किस वॉर में हुए, कारगिल वार में जो 1999 में हुई थी, जो सबसे आखिरी हमें निशाने हैदर जो आर्म फोर्सेस को मिला वो किनको है, हवलदार लालक जान को, कब, 15 जुलाई 1999 को। ठीक है जी, ये इंतहाई अहम, ये जो दो पीछे गुजरे हैं ये दो इंतहाई अहम है, एक ये वाला और एक जो इससे आगे गुजरा है वो लास्ट अवॉर्डेड वाला, ये दोनों एमसीक्यूज बहुत ही अहम है और बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं पाक स्टडी के सेक्शन में। अच्छा जी दूसरा अब देखते हैं, अगला देखते हैं जी, द निशाने हैदर कैन ओनली बी अवॉर्डेड टू द मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस फॉर द हाईएस्ट एक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी इन एयर लैंड और सी। ठीक है, अच्छा निशाने हैदर किनको मिल सकता है, ये सिर्फ उन पर्सनल को मिल सकता है जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के मौजूदा हाजिर सर्विसेज हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी सिविलियन को ये अवार्ड, ये निशाने हैदर नहीं मिल सकता, चाहे वो जितना मर्जी ब्रेवरी का काम करे। अच्छा जी हाँ, ये एक रिसेंट अपडेट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है कि हिलाले कश्मीर को इक्विवेलेंट कर दिया गया है निशाने हैदर के। ठीक है, अच्छा इसके अगला देखते हैं, इट हैज़ बीन अवार्डेड ओनली 11 टाइम्स। ठीक है, असल में जो अवार्ड किया गया निशाने हैदर वो 10 टाइम है। ठीक है, अब चूंकि जो ऊपर वाला हमने अभी एमसीक्यूज पढ़ा कि हिलाले कश्मीर को डिक्लेयर कर दिया गया है निशाने हैदर के इक्वल, इस वजह से ये टोटल 11 हो गए हैं, एक इनमें से हिलाले कश्मीर है। ओरिजिनली जो निशाने हैदर मिला है वो 10 दफ़ा मिला है, एक इनमें हिलाले कश्मीर है। ये आपने पॉइंट तसल्ली से जहन में रख के जवाब देना, अगर इस तरह का एमसीक्यूज आता है कि कितनी दफ़ा मिला है। ठीक है, अगर 10 दफ़ा है या 12 दफ़ा या 11 दफ़ा है तो उसमें वो मेंशन करेंगे कि हिलाले कश्मीर इसमें काउंट करना है कि नहीं करना है, लेकिन वैसे अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें हिलाले कश्मीर लाजमी काउंट करेंगे, क्योंकि हिलाले कश्मीर जो है वो इक्विवेलेंट कर दिया गया निशाने हैदर के। तो भाई मेरे ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है, ख़राब ना कर बैठना अपना क्वेश्चन। अच्छा जी, निशाने हैदर वाज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नेम्ड आफ्टर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक है, वैसे वो पहले वाले क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा था कि हज़रत अली के लकब पे रखा गया निशाने हैदर इसका नाम, और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था मतलब 14 अगस्त 1947 को, तब से ही ये निशाने हैदर अवार्ड किया जा रहा है। अच्छा जी, क्राइटेरिया क्या है, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, द निशाने हैदर ओनली बीन अवार्डेड वेयर इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट द रेसिपियंट एक्टेड डिस्पाइट
हाई रिस्क एंड वॉज किल्ड इन दैट, मतलब कि निशाने हैदर सिर्फ उसी को मिलता है जो कि शहादत हासिल करता है, और शहादत कब हासिल करता है जब वो एनिमी को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा के आ रहा है या एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हुए वो शहीद हो गया, तो उसको निशाने हैदर से नवाजा जाता है। तो अभी तक कितने टोटल 11 लोग हैं, 11 पर्सनल्स हैं जिनको निशाने हैदर मिल चुका है एक हिलाले कश्मीर ऐड करने के बाद। बार बार अगर उस चीज़ को जहन में रखिएगा जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको ध्यान से समझ के फिर अटैम्प्ट करना है कि ये एक निशाने हैदर की फ़ोटो है, ये देख लें। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी ज़बरदस्त है जी, कि इसमें एक पॉइंट आएगा था, निशाने हैदर इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पाकिस्तान मिंट। पाकिस्तान मिंट क्या है? पाकिस्तान मिंट इज़ अ पाकिस्तान कॉइन प्रेस लोकेटेड इन शालीमार टाउन। ठीक है, ये पाकिस्तानी कॉइन प्रेस है जो शालीमार टाउन में है, जो कि निशाने हैदर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से बनाती है, और उसको इजाज़त कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इजाज़त देती है कि जी आप हमें निशाने हैदर बना कर दें। इसके अलावा निशाने हैदर बनाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है ऑल ओवर पाकिस्तान, कोई भी निशाने हैदर की कॉपी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकता। ठीक है, अच्छा, जो पाकिस्तानी कॉइन प्रेस है, ये जो पाकिस्तान में सिक्के चलते हैं जितने भी, 1 रुपये का 2 रुपये का 5 रुपये का और अभी जो 10 रुपये के चल रहे हैं, ये पाकिस्तान कॉइन प्रेस है, पाकिस्तान मिंट कॉइन प्रेस है, ये इसको तैयार करती हैं जितने भी पाकिस्तान में सिक्के चल रहे हैं। कौन कौन से हैं? 1 रुपये का 2 रुपये का 5 रुपये का और 10 रुपये का, ये जो सिक्के चल रहे हैं ये पाकिस्तान मिंट तैयार करती है। अच्छा जी, ये पॉइंट बड़ा अहम है, वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो इसे हम अहम नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट वो इन्फॉर्मेशन, ये बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन है कि द निशाने हैदर फोर्ज्ड फ्रॉम कैप्चर्ड एनिमी इक्विपमेंट्स। ठीक है, अच्छा, निशाने हैदर बनता है किससे? है जो हम अटैक करते हैं और जो एनिमीज का जो मालो गनीमत, जिसे हम एक टर्मिनोलॉजी अगर दे लें तो माले गनीमत जो हासिल होता है, उस माले गनीमत से जो निशाने हैदर हम तैयार करते हैं, मतलब अपना मटेरियल नहीं लगता बल्कि जो हम एनिमी से जंग के दौरान या किसी अटैक के दौरान अगर हम हासिल करते हैं तो उससे निशाने हैदर बनाया जाता है जी। मैन्युफैक्चरिंग, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा रिपीट हुआ है, मैंने भी इसे अटैम्प्ट किया हुआ है और ये ऑफ एंड ऑन रिपीट होता रहता है जी। द निशाने हैदर कंसिस्ट ऑफ 88% कॉपर, 10% गोल्ड एंड 2% जिंक। भाई इसको ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा अहम टॉपिक, सॉरी बड़ा ही अहम MCQs है और ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। द निशाने हैदर कंसिस्ट ऑफ 88% कॉपर, 10% गोल्ड और 2% जिंक, मतलब टोटल 100% हो जाता है कि 88% कॉपर है, 10% गोल्ड है और 2% जिंक है। ये इंतहाई अहम MCQs है और ये रिपीट हो जाता है और कई दफ़ा हुआ भी है। ठीक है, फिलहाल निशाने हैदर के टॉपिक के हवाले से यही MCQs थे जितने बन सकते थे बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि MCQs आपको अवेलेबल हो जाएं इजीली, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा क्या किस टॉपिक पे आपको MCQs चाहिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए वो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल है और इंशाल्लाह ताला आगे भी साबित होगा। तो अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर, वो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में ऐड कर देंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गया। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो इसको देखते हैं, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।